ये लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट देख लें, इसका प्रूफ थोड़ी देर बाद करेंगे ताकि कुछ क्वेश्चन समझ आ जाएं। लैग्रांज थ्योरम ये कहता है कि ऑर्डर एंड इंडेक्स, इंडेक्स कहते हैं कोसेट्स की तादाद, इंडेक्स होता है कोसेट्स की तादाद। ये देखिए, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ एच इन जी डिनोटेड बाई ए। इंडेक्स होता है कोसेट्स की तादाद कि कितने कोसेट्स बनाए जा सकते हैं, इसको कहते हैं इंडेक्स। लैग्रांज थ्योरम कहता है कि ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, सब ग्रुप के ऑर्डर का मतलब है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, और इंडेक्स का मतलब है कि उससे कितने कोसेट्स बनाए जा सकते हैं। वह फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी सब ग्रुप का ऑर्डर और इंडेक्स की तादाद ग्रुप के ऑर्डर को पूरा पूरा डिवाइड कर देती है। एक और थ्योरम की कॉरोलरी है जी, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, और जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर देता है। यानी एलिमेंट का ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर और बनने वाले कोसेट्स की तादाद यानी इंडेक्स, ये तीनों चीज़ें ग्रुप के ऑर्डर को पूरा पूरा डिवाइड कर देती हैं। जी बी ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन, यानी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन का मतलब जी में एन एलिमेंट्स हैं। लेट ए एलिमेंट है जी का और ए का ऑर्डर के है, एलिमेंट के ऑर्डर का मतलब है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है ए की पावर के लेने से आइडेंटिटी पैदा हो जाएगी। तो एच जो सब ग्रुप होगा उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए, सच दैट ए उसका जनरेटर हो जाएगा, उसके अंदर ए की वन, ए की टू, ए की थ्री, ए की फोर, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। और एलिमेंट्स कहाँ तक होंगे, ए के जब आइडेंटिटी हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ए वन, ए टू, ए थ्री, सोन टू ए के तक, तो के एलिमेंट्स होंगे। एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर के, तो उसका ऑर्डर के, इसका मतलब के जो एच का ऑर्डर है वो जी को डिवाइड करेगा। लैग्रांज थ्योरम के मुताबिक सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो के डिवाइड करेगा जी के ऑर्डर को, यानी के डिवाइड करेगा एन को, जबकि के तो ऑर्डर है एलिमेंट का, इसलिए एलिमेंट का ऑर्डर भी एन को डिवाइड कर देगा। ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ ए दोनों बराबर हैं, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए भी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। अ फाइनाइट ग्रुप जी हुज ऑर्डर इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन वो नंबर जिसके दो डिवाइजर होते हैं, वन और वो खुद, जैसे टू, जैसे थ्री, जैसे फाइव, सेवन, इलेवन, थर्टीन, सेवनटीन, ये प्राइम नंबर्स हैं। इज नेसेसरली साइक्लिक, वो कहता है जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो ज़रूर साइक्लिक होगा। ये कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट हैं जी। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम है, यानी ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी है, वेयर पी इज़ अ प्राइम नंबर। हमने साबित करना है कि वो साइक्लिक है, साइक्लिक है तो उसका कोई जनरेटर होना चाहिए जो उसे जनरेट करेगा। दैट ए एलिमेंट है जी का और ए क्या है जी, ए सच दैट ए की एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम हो गया। हमने पढ़ा हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन जनरेट अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन बाय लैग्रांज थ्योरम ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, यानी एम डिवाइड्स पी। मगर एम अगर पी को डिवाइड करता है, देखें इस ग्रुप का ऑर्डर एम है और जी का ऑर्डर पी है, अभी पिछले पेज पे हमने पढ़ा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, लैग्रांज थ्योरम कहता है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी एम डिवाइड्स पी। बट पी को तो सिर्फ दो चीज़ें डिवाइड कर सकती हैं, या वन या पी खुद, इसका मतलब एम या वन है या पी है, एम वन नहीं हो सकता। अगर एम वन हो गया तो ए की वन आइडेंटिटी यानी ए आइडेंटिटी हो जाएगा, जबकि ए आइडेंटिटी नहीं है, इसका मतलब एम पी है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच भी पी है, ऑर्डर ऑफ जी भी पी है, तो दोनों आपस में इक्वल हुए तो जो साइक्लिक ग्रुप पैदा हो जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ एच, क्योंकि एच साइक्लिक था, ए साइड ए की एम इज इक्वल टू ई, और इस एम की जगह पी भी लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा।